मैं बीपी शर्मा, जलकल विभाग सहायक अभियंता। ये घटना कब हुई? ये घटना कल रात में हुई है, 10 बजे करीब। ये ऐसा लग रहा है कि अंदर से लीकेज रहा होगा और ये रात में बैठ गई सड़क, तब पता चला। ऊपर से कहीं ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा था कि यहाँ पे लीकेज है। अब कैसे हुआ, जब इसका पानी वाश आउट किया जाए और फिर लाइन दिखाई दे, लाइन टूटी हुई पता चल रही है 10 इंची की। अब कैसे टूटी, जर्किंग से टूटी, कैसे हुआ, अब ये सब ये क्लियर होगा जब इसको हम साफ़ करके अंदर तक पहुंच जाएंगे गड्ढे के अंदर। तब व्यापार मंडल का कहना है कि लगातार इस पर एप्लीकेशन दिया गया लेकिन कार्रवाई नहीं। नहीं, इस पर कहीं इंडिकेशन नहीं था और ये इतना नीचे है, इसका मतलब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। व्यापार मंडल ने कहा कनेक्शन के एप्लीकेशन हैं या जानकारी है, इस जगह की कोई जानकारी नहीं थी। परिचय दीजिए अपना। मृत्युंजय सोनकर, अध्यक्ष मीरापुर वसई उद्योग व्यापार मंडल, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। किस तरह से रोड धसी है इसको? ये रोड धसने का पूरा श्रेय जलकल विभाग को जाता है, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से इस रोड पर भौजूबीर से लेकर नटनियादाई तक कम से कम 75 से 80 लीकेज हैं। 2 महीने से लोगों का दूषित पानी पी रहे हैं और लीकेज की वजह से ये सड़क धंसा हुआ है। स्थिति ये हो गई कि कभी भी कैजुअल्टी यहाँ पर हो सकती है। कैजुअल्टी इतनी भयानक कि रात में अगर मैं दिन में ये सड़क धंसी होती तो कम से कम 2-4 लोगों की कैजुअल्टी तो हो ही गई होती। क्षेत्रीय जनता इतना परेशान है, आगे आपको देखिए वहाँ से पूरा सड़क दरार कर गया। कभी भी ये पूरी की पूरी सड़क ध्वस्त हो सकती है और रास्ता पूरा ब्लॉक हो सकता है। कब ये रात्रि 9 बजे के आसपास ये शुरू हुआ है लीकेज और 1 घंटे में पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। PWD के एक्शन को फ़ोन किया गया, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि जलकल के विभाग के द्वारा ये किया गया है, जलकल विभाग ही बनावे, इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है। जलकल के लोगों को फ़ोन किया गया, GM को फ़ोन किया गया, GM बोले कि मैं अपने लोगों को भेज रहा हूँ। नगर आयुक्त को फ़ोन किया गया, नगर आयुक्त बोले कि मैं भी भेज रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है। जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, GM इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जब तक कोई कैजुअल्टी यहां पर ना हो जाए तब तक अपने आदमियों को भेजकर इसको ना मरम्मत कराया जाए। दोषी पूरी तरीके से नगर निगम और जलकल विभाग है, क्योंकि जलकल विभाग को बार बार कंप्लेन करने के बाद भी वो नहीं लीकेज नहीं बनवाया जा रहा है और सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त होती चली जा रही है।